ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में तथा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने बताया कि आशा बहनों का 6 महीने से प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं दिया जा रहा है और जो राशि दिया जा रहा है उसमें से पैसा काट कर मिलता है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि सीएमओ द्वारा बकाए के भुगतान करने के लिए 10 दिन का आश्वासन दिया गया है, जिसको देखते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया है। अगर 10 दिनों में भुगतान नहीं होता है तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नीता पांडे, जिला महामंत्री अनुराधा शर्मा, जिला मंत्री साधना शाही, जिला कोषाध्यक्ष उर्मिला सिंह, जिला महासचिव पंपी तिवारी, किरण शुक्ला, विद्या देवी, विद्या यादव, रेखा सिंह, राजदेवी, माया सिंह, पुष्पा राय, किरण सिंह, सावित्री देवी, अनिता देवी सहित अन्य आशा बहने मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा, हम ऑल इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव, और हम लोग जो है 5-6 महीने से हम लोग का भुगतान नहीं हुआ, और भुगतान के लिए जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कार्यालय पर आके कहें, जिला अधिकारी के यहाँ गए कि 5-6 महीने हो गए हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, और जो भी प्रोत्साहन राशि टुकड़ों में गई है वो भी सही तरीके से नहीं मिला है। किसी को 2200 के जगह पर 2000, 3000 के जगह पर 1500, ऐसे 2000 ऐसे करके गया है। हम सीएमओ साहब से बात किए कि हमें समझ में नहीं आता है कि आप कैसे पैसा जिले से भिजवा रहे हैं। इस समस्या को लेके आज हम विवश हो गए, जो है हम लोग इस पानी बुन्नी में और धरने में, हम लोग कल ही से हमारा आज दूसरा दिन धरना है, और आज सीएमओ साहब बुलाए, ज्ञापन लिए और बोले कि जो है हमको 1 हफ्ते 10 दिन का आप समय दीजिए, ये दस्तक संचारी रोग बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और आप काम करिए आप लोग, और 10 दिन 1 हफ्ते का हमको समय दीजिए, हम सारे जितने भुगतान बाकी है सब भुगतान आपके खाते में भिजवा देंगे। हमने उनसे सवाल किया कि अगर 1 हफ्ते 10 दिन में अगर सारे भुगतान नहीं होता है तो हम पुनः जो है यहाँ धरने पर फिर हम बैठ जाएंगे। आज यही निर्णय सीएमओ साहब लिए हैं, तो हम देखते हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन में ये क्या हमारा प्रोत्साहन राशि भुगतान कर रहे हैं। जो कार्य हम लोगों ने बहिष्कार किया है वो कार्य हम लोग करेंगे कल से, क्योंकि आज ही से शुरू था, हमने बहिष्कार कर दिया, और अभी बहुत अभियान ऐसे हैं जो इसके बाद भी होने वाले हैं। अगर हमारे पैसों का निस्तारण नहीं हुआ तो हम पुनः धरने पर फिर बैठ जाएंगे।